वेलकम टू स्टडी अड्डा 24/7। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस चैनल पे आपको एसएससी सीजीएल के लिए इंग्लिश पढ़ाऊंगा, तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपना लेक्चर। पहला लेक्चर ये मेरा, और फर्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नाउ। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उस बगल वाले जो बेल आइकन है उसको आप क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं नया लेक्चर अपलोड करूँ आपके पास तुरंत पहुँच जाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर जो है नाउन। तो जैसे कि नाउन, नाउन की डेफिनेशन आप सबको पता होगी, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। कोई भी नेमिंग वर्ड जो होता है वो नाउन होता है। टाइप्स ऑफ नाउन की बात करें अगर हम, तो ये भी आपको मालूम होगा। तो पहला है आपका प्रॉपर नाउन, जैसे कि प्रॉपर नेम्स जो होते हैं, जैसे राम, गीता, दिल्ली, दुबई, ये सारे जो हैं आपके प्रॉपर नाउन्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की बात करें तो बॉय, गर्ल, सिटी, कंट्री, ये ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो कॉमन नाउन्स होते हैं। उसके बाद कलेक्टिव नाउन्स, द ज्यूरी, असेंबली, पार्लियामेंट, क्लास, टीम, जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है वो होता है कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वुड हो गया, ये सारे मटेरियल नाउन्स होते हैं। तो मटेरियल नाउन वही होते हैं जिनसे जो है कुछ नया बनाया जा सकते हैं, मतलब एक तरीके से वो रॉ मटेरियल की तरह काम आते हैं। और नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कि सिंसियरिटी, लव, ऑनेस्टी, ये जो होते हैं ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जिनको हम जो है ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस ये फील किए जा सकते हैं। और नाउन्स को जो है काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स के भी के बेसिस पे भी जो है ना हम डिफ्रेंशिएट या फिर कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होता है, तो इजी सी बात है, काउंटेबल जिसको इजीली काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल, जो इसको इजीली काउंट ना किया जा सके दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। एक चीज़ और, अगर आप काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं तो जितने भी सिंगुलर्स और प्लूरल्स बनते हैं वो इसी नाउन के बनते हैं। अगर नाउन जो है अनकाउंटेबल है तो उसके ना तो सिंगुलर बनेंगे ना ही प्लूरल बनेंगे, वो उसका एक ही फॉर्म होगा और वो वैसे ही लिखा जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब इसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे। तो रूल नंबर वन है, सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, दे आर अनकाउंटेबल नाउन्स। कुछ नाउन्स जो हैं अनकाउंटेबल जो होते हैं वो हमेशा ही सिंगुलर होते हैं, आप उसमें एस या फिर ई एस लगा के उसका प्लूरल नहीं बना सकते हो। तो उसका फर्स्ट वर्ड है आपका लगेज, बैगेज, ब्रेकेज, फर्नीचर, ड्रैपरी, इमेजरी, सीनरी, पोइट्री, पॉटरी, मशीनरी, फर, पेपर, फूड, आयरन, स्टोन, ग्लास, डस्ट, रबिश, डर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैफिक, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, चॉक, फूड, बेड, ग्रास, हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ, स्टेशनरी, क्रॉकरी, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, इक्विपमेंट, एविडेंस, फ्यूल, कॉस्ट, एक्सेट्रा। इतने जो ये सब वर्ड्स हैं ये आपको नोट करना पड़ेगा, और एक दो बार आपको जो है इसको रिवाइज करना पड़ेगा, इसको लर्न करना पड़ेगा, ताकि आपको याद रहे कि इन वर्ड्स का जो है कभी आप प्लूरल नहीं बनाओगे, एस या ई एस लगाने की कोशिश ना करोगे। अगर कहीं भी ये एस या ई एस लगा हुआ दिख जाए इन सारे वर्ड्स के साथ तो वो रॉन्ग होगा, उसको आपको गलत बताना है। तो एग्जाम्पल की बात करें तो सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। जो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीनरी में जो है वो सिंगुलर है, यहाँ पे जो है एस नहीं लगा है। अगर एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में यहाँ पे सीनरी को सीनरीज कर देगा और आपसे पूछेगा इसमें मिस्टेक कहाँ पे है, तो आपको बस यही बता देना है कि यहाँ पे जो है मिस्टेक है, यहाँ पे अगर एस लगा रही है तो। आई हैव नो आइडिया अबाउट हर रेजिडेंस, आई हैव नो आइडिया अबाउट हर रेजिडेंस। तो आइडिया यहाँ पे जो है, तो ये आइडिया जो है हमेशा जो है ऐसा ही रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा, कभी ये आइडियाज नहीं होगा। हिज हेयर इज ब्लैक, ये यहाँ पे आप हेयर को हेयर से नहीं कर सकते। द वॉल इज मेड ऑफ स्टोन। अब हम आगे बढ़ते हैं रूल टू की तरफ। नेक्स्ट रूल इज आवर एक सॉरी 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 हाँ, इसमें जो है रूल वन में ही है, अगर इन वर्ड्स को जो है, जो हमारे ये वर्ड्स हैं, अगर इनका सिंगुलर या प्लूरल बनाने की ज़रूरत पड़ गई हमें तो क्या करेंगे, तो उसके लिए भी यहाँ पे है चीज़, अ पीस ऑफ, पीसेस ऑफ, अ बिट ऑफ, बिट्स ऑफ, अ लोफ ऑफ, लव्स ऑफ, अ हिप ऑफ, हीप्स ऑफ, ये सारे वर्ड्स को यूज़ करके जो है इन उन वर्ड्स के पहले इसको यूज़ करके हम उसका सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कि आई वॉन्ट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, ठीक है, तो आप जो है आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी लगा सकते हो। आई एट टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, आप इसको ब्रेड्स नहीं कर सकते, आप इसको ब्रेड्स नहीं कर सकते, आप इसको ज्वेलरीज नहीं कर सकते, ये ज्वेलरी ज्वेलरी रहेगा। इसके आगे हम ये वर्ड लगाएंगे आई अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ। नेक्स्ट
ब्रेड के लिए 2 स्लाइसेस ऑफ लगाएंगे। द पुलिस हैव फाउंड अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, हेयर को जो है आप हेयर्स नहीं लिख सकते हो यहाँ पे, इसके लिए आपको अ स्ट्रैंड लिखना पड़ेगा। ओके, मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन द शॉप। मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, आप यहाँ पे सिर्फ फर्नीचर्स अगर आप करो या फिर अभी भी अगर इस पे एस लगा दो फर्नीचर में, तो ये जो है मिस्टेक होगा, ये गलत होगा। यहाँ पे आपको जो है मेनी काइंड्स ऑफ का यूज करना होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं रूल नंबर 2। सम वर्ड्स लुक प्लूरल बट आर सिमिलर। कुछ वर्ड्स होते हैं जो दिखते तो प्लूरल हैं लेकिन होते सिमिलर हैं, जैसे कि न्यूज, मैथमेटिक्स, एथिक्स, लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मीजल्स, मॉम्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉट, इनिंग्स, फिजिक्स, एथलेटिक्स एक्सेट्रा। ये जो वर्ड्स हैं ये भले आपको प्लूरल दिख रहे हों लेकिन ये सिंगुलर होते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख लो, नो न्यूज इज मैंने यूज किया है, इसका मतलब ये सिंगुलर है। नो न्यूज इज गुड न्यूज, एग्जाम में क्या कर देगा, यहाँ पे आपको इस की जगह पे आर दे देगा। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल होगा, पर नहीं, ये जो है सिंगुलर होगा। नेक्स्ट इज एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी। आप एथिक्स देखो, यहाँ पे एस लगा हुआ है पर ये जो है सिंगुलर है। बिलियर्ड्स इज प्लेड बाय वेमेन एज वेल एज मैन, तो बिलियर्ड्स आप देख लो यहाँ पे दिख रहा है प्लूरल पर वो है सिंगुलर। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, तो पॉलिटिक्स यहाँ पे आपको प्लूरल दिख रहा होगा पर ये है सिंगुलर। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3। दीज वर्ड्स रिमेन सेम इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। ये जो नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं ये चाहे आप सिंगुलर के रूप में या फिर प्लूरल के रूप में यूज करो, ये जो है वर्ड सेम रहते हैं, इसमें ना इसमें एस या एस ऐड नहीं किए जाते हैं और ना ही इसमें से हटाए जाते हैं। जैसे कि सीरीज, अगर आप सिंगुलर के रूप में यूज करोगे सीरीज को तो भी ये सीरीज रहेगा, प्लूरल फॉर्म में यूज करोगे तब भी ये सीरीज रहेगा, इसमें ना तो एस आप हटाओगे ना ही इसमें एस लगाओगे। सेम वहाँ पे स्पीसीज के साथ है, डियर, शिप, फिश, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल एक्सेट्रा। ये जो वर्ड्स हैं इसके इसके अलावा और भी हैं, जैसे कुछ नाम है सी फिश, जो समुद्री मछलियाँ होती हैं उनके नाम है, उनके साथ भी सेम है, वो सिंगुलर में यूज़ करेंगे या फिर प्लूरल में, दोनों सेंस में वो जो है उसमें एस या फिर ई एस नहीं ऐड करेंगे, वो अपने सेम फॉर्मेट में रहेंगे। जैसे कि इसकी स्पेलिंग दिख रही है, जैसे कि सैलमन, टर्बट, पाइक, मैकरल एंड प्लेस। अब इसके एग्जाम्पल्स कुछ देख लें, आवर टीम इज द बेस्ट। एक चीज और आपको बता दें, ध्यान से सुनिएगा, आवर टीम इज द बेस्ट, टीम इज यहाँ पे टीम इज इसलिए क्योंकि आवर टीम, टीम जो है एक पूरी टीम में जितने मेंबर्स हैं हमारी टीम में उस पूरे मेंबर्स को एक साथ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सबको एक साथ बेस्ट बोल रहे हैं, तो इसीलिए टीम जो है सिंगुलर होगा। पर नीचे देखिए, टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। अब जो टीम है वो यूनिफॉर्म ट्राई कर रही है, पर हमने यहाँ पे आर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जो टीम है उसका हर एक मेंबर जो है अलग अलग यूनिफॉर्म पहनेगा, ऐसा नहीं है कि एक ही यूनिफॉर्म में सारे के सारे घुस जाएंगे, समझ रहे हैं आप। जैसे कि अगर पूरे ग्रुप को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो सिमिलर होंगे, अगर ग्रुप के मेंबर्स को हम जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग तो वहाँ पे भी प्लूरल्स होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देर आर टू फिश इन द पॉन्ड, टू फिश इन द पॉन्ड आर, ओके, फिश जो है हम चेंज नहीं करेंगे, प्लूरल फॉर्म में है यहाँ पे, पर फिर भी यहाँ पे ई एस नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट में आप देखो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया आपके लिए कि देयर आर मेनी फिशेस इन द पॉन्ड, यहाँ पे मैंने बोला था कि फिश में ई एस नहीं लगाएंगे पर यहाँ पे मैंने लगा लिया, इसके पीछे रीजन है, रीजन ये है कि यहाँ पे जो ई एस लगा है इसका मतलब ये हो गया कि जो मेनी फिशेस हैं उसमें बहुत सारी प्रजाति की मछलियाँ हैं वहाँ पे, और यहाँ पे क्या है टू फिश, फिश में टू फिश है मतलब कि जो दो मछलियाँ हैं वो दोनों की दोनों एक ही प्रजाति की हैं, ठीक। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या है, सम नाउन्स आर ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन्स जो होते हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, वी कैन नॉट मेक दम सिंगुलर बाय रिमूविंग एस या ई एस। कुछ उन नाउन्स में जो हम एस या ई एस रिमूव करके उनको सिंगुलर नहीं बना सकते, जैसे कि सीजर्स, टंग्स, प्लायर्स, पिंसर्स, बेलोज, ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामा, शॉर्ट्स, गैलोज, फैंक्स। नेक्स्ट इज स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, बाइनोक्यूलर्स, आई ग्लासेस, आर्म्स, अमेंड्स, आर्चीव्स, अरियर्स, ऑस्पिसीज, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एम्बर्स, फायर वर्क्स, लॉजिंग्स, आउटस्कोर, पर्टिकुलर्स, प्रोसीडिंग्स, रिगार्ड्स, रिचेस, रिमेन्स, सेविंग्स, शैम्बल्स, सराउंडिंग्स, टाइडिंग्स, ट्रूप्स, टैक्टिक्स, थैंक्स, वैल्यूएबल्स, वेजेस, बिलोंगिंग्स एट्सेट्रा। ये जो इतने वर्ड्स हैं
ये जो है हमेशा के हमेशा प्लेयर फॉर्म में ही होते हैं, इनका सिंगुलर फॉर्म होता ही नहीं है। अगर कहीं भी आपको सीजर्स का सिर्फ सीजर दिखे तो ये गलत है। अगर आपको सिर्फ बिलोंगिंग्स का बिलोंगिंग दिखे गलत है। अगर वेजेस का वेजेस दिखे, वेज दिखे सिर्फ तो गलत है। वैल्यूएबल्स का वैल्यूएबल दिखे गलत है। अगर कॉन्ग्रेचुलेशंस का कॉन्ग्रेचुलेशन दिखे सिर्फ तो वो गलत है। मतलब इसमें एस लगा हुआ है तो वो एस रहेगा, ये हमेशा प्लुरल फॉर्म में ही रहेंगे। एग्जाम्पल की बात करें, वेयर आर माई पैंट्स, ये पैंट्स हमेशा पैंट ही रहेगा, कभी नहीं बोलेंगे कि वेयर इज माई पैंट, ये रॉन्ग होगा। आगे बढ़ते हैं, द प्रोसीडिंग्स वेयर डिपॉजिटेड इन द बैंक एंड द नेक्स्ट इज ऑल हिज एसेट्स वेयर सीज्ड। तो यहाँ पे एसेट्स जो है प्लुरल, यहाँ पे भी हमने यूज किया है प्लुरल ही होगा। आर्म्स आर गिवेन टू द बेगर्स, आर्म्स प्लुरल। द एम्बर्स ऑफ द फायर वेयर स्टिल बर्निंग, यहाँ पे एम्बर्स आप देख सकते हो, इसमें एस लगा हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज़ और आप देख लो, वेजेस। वेजेस का प्रयोग सिंगुलर एवं प्लुरल दोनों फॉर्म में किया जा सकता है, निम्नलिखित वाक्य को देखें। ठीक है, तो वेजेस जो होता है सिंगुलर में भी यूज कर सकते हैं और प्लुरल में भी यूज सकते हैं। ये जो है एक्सेप्शन है इस रूल का। और याद रखें कि एग्जाम में जो है एक्सेप्शन ही पूछे जाते हैं मैक्सिमम। तो इस एक्सेप्शन को समझते हैं, तो वेजेस का यूज जब हम प्लुरल में करते हैं तो इसका मतलब होता है मजदूरी, मतलब कि वेजेस आर पेड इन कैश, मतलब कि जो मजदूरी दी गई है वो कैश में दी गई है, तो यहाँ पे ये प्लुरल होगा। नेक्स्ट, वेजेस ऑफ हार्ड हार्ड वर्क इज स्वीट, तो यहाँ पे जो वेजेस है वो यहाँ पे सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो मीनिंग है वो क्या है, वो परिणाम से है। ठीक है, तो याद रखें कि अगर वेजेस की मीनिंग मजदूरी आ रही है तो वो जो है प्लुरल होगा, अगर वेजेस की मीनिंग जो है परिणाम आ रही है, रिजल्ट आ रहा है, तो वो सिंगुलर होगा। और आगे चलते हैं रूल नंबर 5, आज के लिए ये लास्ट है। सम नाउन्स लुक सिंगुलर बट आर यूज्ड एज प्लुरल, कुछ नाउन्स जो होते हैं वो सिंगुलर दिखते हैं पर वो होते प्लुरल हैं, जैसे कि कैटल, कैवेलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, चिल्ड्रेन, पीजेंट्री, चिल्ड्रेन, जेंट्री, पोलिस, पीपल एक्सेट्रा। तो ये जो वर्ड्स होते हैं वो हमको सिमिलर दिख रहे होंगे पर ये जो है होते प्लुरल हैं। हम एग्जांपल की बात करें तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो यहाँ पे कैटल का जो है कैटल्स नहीं करेंगे हम, एग्जाम में कैटल्स करके देगा पर वो गलत होगा। आवर इन्फेंट्री हैव मार्च फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज पुलिस इज चेजिंग थीफ, पुलिस भी हमेशा पुलिस होगा, इन्फेंट्री हमेशा इन्फेंट्री होगा, कभी इसका प्लुरल। नेक्स्ट इज कैवेलरी आर परफॉर्मिंग बेटर दैन इन्फेंट्री, ठीक है, तो इसमें कैवेलरी और इन्फेंट्री जो होते हैं ये जो है भले आपको सिंगुलर दिखे पर ये क्या है, ये प्लुरल है। यहाँ पे जो क्या कर देगा आपको, यहाँ पे इज दे रहेगा, कैवेलरी इज परफॉर्मिंग बेटर दैन इन्फेंट्री, पर यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे आपका आर होगा। अब यहाँ पे नोट है कि पीपल का अर्थ जो है दोनों में, आपने देखा होगा कि पीपल जो है, पीपल भी यूज होता है, कहीं कहीं पढ़ा होगा पीपल्स होता है, तो उसका क्या मतलब होता है, तो पीपल का अर्थ होता है लोग, लेकिन जो पीपल्स होता है उनका अर्थ होता है उनके जो है जो रेसेस होते हैं, मतलब डिफरेंट जो रेसेस होते हैं उनके, उन तो कई रेस के लोग अगर जो है एक साथ हैं तो उनके लिए भी यूज़ करेंगे पीपल्स, अगर सारे एक ही रेस के हैं तो उनके लिए भी यूज़ करेंगे पीपल। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ, इसके आगे कुछ और रूल्स हम डिस्कस करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं वो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और एक भी लेक्चर आपसे मिस ना हो।